जय विश्व वंदनीय संत श्रोमणि आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्रीक्षण प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्रीक्षण अरे सागर जी महाराज की जय। बंधुओं जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, श्री पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री अल्तेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल सीधन, निहाल, वंदन लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, अनकिरण जी, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाशचंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री तमत, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत जी, जाह्नवी जी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा जी, अतीन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल किरण जी, राजकुमार शोभा जी, विक्रम, शारिका, विकास, आशिका जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश जी, नीति जी, वान्या, व्योम, मेघराज जी, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र अधुसपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशुल जी सराफ शाह परिवार। गंज वासवादा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतन भाई, श्रीमती मंजुलता, सुपत्र एकांश, स्वात, श्वेता, जियांसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर नितिका जी, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी, राकेश नितारी, ऋषि, रचि, महित, रम्यक जैन, चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार जी, श्रेया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव, अनामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितांशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूला जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, श्रीमती रिंपू जी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, विद्यविद सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरियंत, अक्षत, अरियन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश के संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण कुमार जी, विदित वर्षिका जैन सा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झूमरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, शुदा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार। मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुल, लीना, अभी, आदि, रवि, आदि, अवि, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, भरम पत्नी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नवतिक जी, श्रावी शाह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्री चिंतामणि सवालिया जी जैन सा परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक श्री पदमचंद जी, राज्य प्रियल, गुणांश, पहाड़िया सा परिवार। किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, आहरण जी पाटनी समस्त आर के मार्वल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रविंद जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार। निखार वाले यूएसए, ईस्टर्न टेक्सास से सुमणि संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कमरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छावड़ा के परिवार, श्रीमती रत्नमय जी सेठी, श्रीमती इंद्र देवी छावड़ा, श्री सुवेन, प्रीति जी, सिद्धांत, शलोनी, अजित, मोनिका, अशी, अर्णव, विनत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त छोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार।
बांदा श्री श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित जी, अमिता जी, मनोज जी, नैवेद्य, सराफ, गुनगुन परिवार, कर्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेन, गीता, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जनसा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश जी, ऋषि, जनसा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सभापति मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सभापति स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर जी, युवान, रियान, जैन, विद्यासागर और वीवीएसआर ग्रुप शाह परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति आरोग्य में जोड़कर शांति आरोग्य कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमिरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय जी, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोशाक, लवनिया, तक्षित, जोड़ीवाल, शाह परिवार, बीना से आदित्य, रशिशी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिलीजन, समस्त मिठिया परिवार, झुमरी तिलैया, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेंद्र नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रवीजा झांझरी, सा परिवार, बड़ौदरा से इंद्रवंदन जी, सुनियाल जी घिया, श्री नीलेश जी, सुभागवति स्वाति जी, पुत्री अनिशी जी, पुत्र अनिश जी घिया, सा परिवार, बैंगलोर से सर्वमणि संरक्षक जी, पारसचंद, ताराचंद जी, चौवटिया, मंडार वाले, माता पिता पारचंद जी, दयमंती देवी बहन, आदित्य, पीनाज, कृत्या, आकाश जी, चौवटिया, सा परिवार, कानपुर से संस्थापक श्री श्रियांश जी, विपुल जी, आराधना, पारुल जी, अतुल जी, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन, जैन, सा परिवार, हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए आज की शांति हरा के लिए पांच ही है, छठवां नाम किसके पास है? शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो, जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा का विशेष लाभ लिया है और आज के विधान पुनर्जक सनावत से बसंत जी, अरुणा जी काला के स्वास्थ्य लाभ के लिए, आयुष, सीना जी काला परिवार, लुधियाना से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेश जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनका परिवार, गुलबर्गा से मनोज कुमार जी शाह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सपरिवार, अहमदनगर से संजय कुमार जी काशलीवाल, प्रियांश, अजित, पीयूष, जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने जन्मदिवस के अवसर पर शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, दिल्ली से अनुपम कुमार जैन के जन्मदिवस पर, दिल्ली से संस्थापक सदस्य संतोष कुमार जी जैन के, इम्फाल से अजीत छाबड़ा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, बयाना से भरतपुर से प्रमोद जी जैन के, कोटा से अरुण कुमार जी के जन्मदिवस पर और जबलपुर से पारस सिंह के जन्मदिवस पर, इनका जीवन सुखमय हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने और शांति धारा की भावना भाई है, सागर से अरविंद कुमार सिंघई के पुण्यस्मृति में अरविंद जी सिंघई परिवार, सिलीगुड़ी से श्रेय जैन के पिता सुभाष जैन नामकरण के उपलक्ष्य में, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धाराकर्ता कानपुर सनावत से राजेश, सुरेश, सोहम, सारिका, सुमित जैन, अभिजीत, अरिंजय, रिनाली, मनाली, नंदा, किरण, तृप्ति, डिंपल, सहपरिवार, संजय, ममता जैन परिवार, कहाँ के हैं नाम नहीं लिखा स्थान का, देवलगांव राजा महाराष्ट्र, देवलगांव राजा महाराष्ट्र, इन औरंगाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से फतेहपुर शेखावटी से जय कुमार जी, रमेश कुमार, पिंकी, सुरेंद्र कुमार, सरिता, नवीन, कविता, कमल कुमार, अर्चना, ज्योति, पंकज कुमारी, निकिता, अंशुल कुमार, ऋतिक, अभिषेक, सुहानी, रिद्धि, सिद्धि, समस्त गोधा परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवलगांव राजा से सन्मति, पदम कुमार, दौड़ रावकर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद जी, निर्मल जी, अरविंद जी, येशु, ननु जैन परिवार, जो अपने उपवास की साधना कर रहे हैं, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कानपुर से गुणायतन दृष्टि, भानु प्रकाश जी, मंजू, अभिषेक जैन और श्रीमती अरुणा काला सनावत के स्वास्थ्य लाभ हेतु गुणायतन दृष्टि, बसंत जी, आयुष जी काला, सुनील जी, रानल जी, सनल जी जैन परिवार, इंदौर। दिल्ली से ब्रह्मज्योति स्वाविका ब्रह्मचारी प्रेक्षा दीदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, शांतनु जैन, कपिला जैन परिवार। बड़वानी से यश सेठी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित होकर इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, बदायूं से राजीव जोहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संताप से अनिल जैन, सागर से नीरज पायल जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। नमः। ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायनम नमो लोए शब शाहूनम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली पनत्तो धम्म लोगोत्तमो चत्तारी शन भोजामि अरिहंते शन भोजामि सिद्धे शन भोजामि साहु शन भोजामि केली पनत्तम धम्मम शन भोजामि। ओम ह्रीम अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रचीनाशय दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं रसिया उषा। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन्छिन्द परमंतान भिन्द छ छुम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशी अवसानाद विद्याय नमो हिंतान ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत प्रातिहार मणिता अशोकतर सत प्रातिहार सोन बताय अमलरविम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप सृष्टि सत प्रातिहार मणिताय स्वरूप सृष्टि सत प्रातिहार सोन बताय अमलरविम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुबधुनि सत प्रातिहार मणिताय दुबधुनि सत प्रातिहार सोन बताय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन बताय अमलरविम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन बताय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन बताय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत प्रातिहार मणिताय छत्तत्र सत प्रातिहार सोन बताय कमलर बिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडल मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सर्वो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोटि बुद्धिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन्सो हि बुद्धानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विपुल मदीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दश पुवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चौदश पुवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधि पत्तानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विद्यहरानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पन्नशमना सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशिविशानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दिट्ठिविशानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अरहम नमो महातवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरगुणानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरपरकमानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणमं भयारिनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो वृक्षो सर शांति भवतु। सही पत्तानम सर शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो मन बलिनम सर नमो खीर सवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो शप्य सवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महु सवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अमि सवीनम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खीन महानशानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बद्धमाननम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो लोए सब सिद्धाय दनानम सर शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि
ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर् भवतु। ओम नमो भगवते वर्धमानस ऋषस्य यस्य कम जलम तम गच्छै आयासं पायालं लुयानं भयानं जुया विवादिवारंगनेवा समनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानं पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सेवामस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सम्पूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष णमो वजायाणमो लोये सवशाहुनम णमो लोये सवसाहु एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चेणमोयारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलारं च सवे मङ्गलाणं च सवेशिं पढेमं होय मङ्गलं पढुमं होय मङ्गलं। जय बोलो देवादिदेवे खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले कर्मों में एक मौलिक कर्म है दान। गृहस्थों के कल्याण का इसे आधार बताया गया। दान एक ऐसा कर्म है जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है। हम अन्य जितने भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी दिखती है और इन्हीं दो संदर्भों में उन्हें किया जाता है। लेकिन दान एक ऐसा कर्म है जिसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता तो है ही, मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी है। जिस मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता, सच्चे अर्थों में वो मनुष्यत्व का आनंद भी नहीं ले सकता। आज का विषय है दान, और कुरल काव्य में दान को लेकर बहुत व्यापक दृष्टि प्रकट की गई। दान भी दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक दान और दूसरा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ दान। दोनों प्रकार के दान का अपना महत्व है, उनकी अहमियत है और उपयोगिता भी। हमें हमेशा दोनों प्रकार के दानों के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और इस संदर्भ में जब हम कुरल काव्य खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले
वे लौकिक दान की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, गरीबों को देना ही दान है और सब तरह का देना उधार देने के समान है। हर समर्थ मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने से हीन, कमजोर, पीड़ित, परेशान व्यक्ति के लिए सहयोग दे। वह सहयोग आर्थिक भी हो सकता है और अन्य प्रकार का भी हो सकता है। जहाँ जब जैसा प्रसंग हो, हमें तदनुरूप सहयोग देने के लिए तत्परता रखनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की शोभा दान से होती है। ग्रही दानेन शोभते। कुछ वाक्यों की शुरुआत के साथ मैं आज आप सबसे अपनी बात पूरी करूंगा। लिखा, याचक के ओठों पर संतोष जनित हंसी की रेखा देखे बिना दानी का मन प्रसन्न नहीं होगा। याचक के ओठों पर संतोष जनित हंसी की रेखा देखे बिना दानी का मन प्रसन्न नहीं होता। दान एक सत्कर्म है और दान हमें देना चाहिए। दान के संदर्भ में चार बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना। सबसे पहली बात है, दान क्यों दें? आप लोग दान देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों देते हैं आप लोग दान? यहाँ जितने लोग हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो। दान तो देते हैं, क्यों देते हैं? हाँ, खुद के लिए। खुद का क्या क्या? ज़्यादातर लोगों को प्रारंभ से ऐसा संस्कार मिला है कि दान देने से बरकत होती, इसलिए दान दो, और आगे बढ़े तो दान देने से पुण्य बढ़ता है, इसलिए दान दो। तीसरी अवधारणा, दान देने से समाज में यश फैलता है, नाम होता है, पहचान बनती, इसलिए दान दो। और चौथी अवधारणा है, दान करने से धन की आसक्ति नष्ट होती है और निज पर का कल्याण होता है, इसलिए दान दो। इन चारों अवधारणाओं में आपकी कौन सी अवधारणा है? हमारे लिए संस्कार दान दो, दान देने से बरकत होती है, और देखो उसने दान दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने दान दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसा व्यक्ति 100 कमाता है, एक देता है, वो दे नहीं रहा है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक प्रकार का अनुबंध है, सौदा है, वो एक पूरी तरह से व्यवसायिक दृष्टिकोण है। उस दान से जीवन का उत्थान संदिग्ध है, क्योंकि तुमने धन के लिए ही दान दिया है। ये बात और है कि दान देने वाले के जीवन में भंडार भरता है, लेकिन भंडार भरने के लिए दान देना सही उद्देश्य नहीं है, सही उद्देश्य नहीं है। क्यों, सो आगे बताऊंगा। आप पड़ताल कीजिए, किस लिए आप दान दे रहे हो, यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दूसरा उद्देश्य, दान करने से पुण्य बढ़ता है, हमने सुना है, जो दान देता है उसे सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दान देगा तो सदगति का पात्र बनेगा, दान देगा तो पुण्य बढ़ेगा,
तो इस भाव में भी और परभाव में भी उसे अनेक उपलब्धियां होगी, इसलिए चलो पुण्य गाढ़ा करने के लिए दान दे दो। आप लोग इस भाव से दान देते हो कि नहीं देते? बल्कि दान देते समय ये भी विचारते हो कि कौन से दान से हमारा पुण्य ज़्यादा आएगा। ये दान का दूसरा उद्देश्य है। मैं कहता हूँ दान देने से निश्चित पुण्य बढ़ता है, पर आपसे कहूँगा पुण्य बढ़ाने के लिए भी दान मत करो। दान का तीसरा दृष्टिकोण, दान देंगे नाम होगा। बहुत लोग आजकल ऐसा करते हैं, वो तो अपना बाजार बनाने के लिए भी दान दे देते हैं। समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी। आज मैं हजारों के बीच में 2-5-10 लाख का दान देता हूँ तो पूरी समाज में मेरी एक अलग पहचान होगी, निश्चित होगी। कीर्ति दानानुसारिणी, ये उक्ति है। जितना दान दोगे उतना यश फैलेगा। दानी का नाम होता और होना भी चाहिए, लेकिन नाम के लिए दान देना दान का सही दृष्टिकोण नहीं है। दान करो किस लिए? अपने अंदर की धन की आसक्ति और अभिमान को घटाने के लिए। धनाशक्ति और धन के अभिमान को घटाने के लिए निज पर के कल्याण के लिए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। धन नश्वर है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े धनपति भी कभी भिखारी बन जाते हैं तो कभी भिखारी भी सम्राट बन जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन को स्थायी रखकर नहीं चल सकता। धन आता है और चला जाता है, टिकाऊ नहीं है। धन नश्वर है और वह मेरा स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य है। ऐसा विवेक है मन में? क्या मानकर धन दे? तो मैंने मेहनत से कमाया है, मेरी गाढ़ी कमाई है, मेरा पैसा है। तुम कहते हो मेरा पैसा है, हकीकत में तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारी नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। तुमने मान रखा है, यही तुम्हारी आसक्ति की वजह है और इसी का तुम अभिमान करते हो, जो तुम्हारा अज्ञान है। जिसको वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है, वो जानता है कि धन मेरा स्वभाव नहीं है, यह पर द्रव्य है। संयोग से आज मेरे पास है पर मेरा नहीं है, तय है। मैंने धन कमाया, धन टिकने वाला नहीं है, ये चंचल है, बिजली के समान है, पानी की लकीर की भांति है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसकी आसक्ति रखना ठीक बात नहीं, इसका अभिमान करना ठीक बात नहीं है। है तो इसका सदुपयोग करके निज पर का कल्याण करना है। ये धन का उद्देश्य है। आपके मन में ऐसा भाव आए कि भैया आज पैसा है कल रहे न रहे, इसमें अभिमान करना, इसकी आसक्ति रखना व्यर्थ है। कुछ अच्छा काम कर लो, अपने अंदर की उदारता को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के अभिमान को गलाने के लिए, अपने अंदर की आसक्ति की को मिटाने के लिए और हृदय में सदा से बढ़ाने के लिए दान करो। इसमें निज पर का उपकार है।
पहला उपकार निज का, क्या तुम्हारे अंदर उदारता बढ़ती है, तुम्हारा अभिमान घटता है, तुम्हारी आसक्ति मिटती है, तुम्हारा सदाशय बढ़ता है, यह तुम पर उपकार है कि नहीं, बोलो। और पर का उपकार, उसका कष्ट निवारण होता है, उसकी जरूरतें पूर्ति, जरूरतों की पूर्ति होती है, उसका दुख मिट जाता है, उसकी पीड़ा हर जाती है, ये उसका उपकार है। तो स्व पर के उपकार के लिए दान दें। अब आप बताइए, अब क्या दृष्टिकोण रखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? एक ने कहा महाराज चारों, बढ़िया है ये चारों। हमने कहा ये चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा, और चौथा रखोगे तो चारों होगा। चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा और चौथा रखोगे तो चारों होगा, कैसे कैसे? अरे दान दोगे पुण्य बढ़ेगा, और कहते हैं कुएं से पानी जितना निकालोगे उतना पानी बढ़ेगा। और एक अवधारणा ध्यान में रखो, धन तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे पास नहीं टिकता, धन तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारे पास टिकता है, और पुण्य भावों की निर्मलता से प्रकट होता है, मन की उदारता से होता है। और तुम उदार मन से जब दान करोगे, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी, उस पुण्य की वृद्धि के फलस्वरूप तुम्हारे अनुकूल संयोग बनेंगे, और अनुकूल संयोग बनेंगे तो धन धान्य की समृद्धि तो होगी ही होगी। लेकिन एक सच्चे दानी में और एक लौकिक दानी में इतना ही अंतर है, लौकिक दानी दान देकर दान को गिनाता है और देखता है मेरा पैसा कितना बढ़ा, उसी हिसाब से वो अगले दान की प्लानिंग करता है। और जो सच्चा दानी है वो दान देता है अपने जीवन को कृतार्थ करने की भावना से, देकर भूल जाता है, और जितना जितना धन बढ़ता है उतनी उतनी उदारता भी बढ़ाता जाता है। तो दान देने से पुण्य वृद्धि होगी, दुर्गति टलेगी, दुख दारिद्र मिटेगा। अरे बीज बोओगे, उत्तम भूमि में बोओगे तो वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना, तो अपने आप आ जाएगा। और फिर जब निर्मल भाव से कोई दान देता है तो दानी व्यक्ति का नाम तो हर किसी के जबान पर अपने आप चढ़ जाता है। नाम चाहने वाले बदनाम हो जाते हैं और काम करने वालों का जग में नाम होता है। नाम चाहो मत, काम करो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे नाम को भूल ना पाए। आजकल लोग काम तो कम करते हैं, नाम ज्यादा चाहते हैं। अगर आपने सच्चा भेद विज्ञान घटित किया, वस्तु स्वरूप को आपने जान लिया, तो आपके लिए ये सब बातें औचित्य विहीन होगी। आप तो एक ही बात सोचोगे कि मेरे पास है वो मेरा नहीं है, है मैं उसका कस्टोडियन हूं, इसका सदव्यय कर लूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में, बहुत दान देते हैं, जब भी दान देने का मौका है पहले से तैयार, पहले से तैयार। जब बोलते हैं महाराज जी मैं अपने धन का करूंगा क्या, एक दिन तो छोड़ के जाना है, इसका उपयोग कर लो। तो दान क्यों, समझ में आया? दान हर व्यक्ति को करना चाहिए, और कभी भी कहीं भी प्रसंग हो दान देने में कभी पीछे मत हटना। दो वाक्य है, दान लेना बुरा है चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, दान लेना बुरा है चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, और दान देने वाले के लिए चाहे स्वर्ग का द्वार ही क्यों बंद ना हो जाए, फिर भी दान देना धर्म है।
दान लेना अच्छी बात नहीं है और दान देने से अच्छा अच्छी बात कोई नहीं। देने के लिए उत्साहित रहो, लेने के लिए नहीं। मतलब महाराज फिर दान मांगना, ये लोग जितने लोग सामाजिक संस्थाओं के लिए दान की प्रेरणा देते दान मांगते हैं, ये बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से किसी से दान मत लो। क्यों दान ले? हमारे पास सबल हाथ मिले पैर है, मैं सक्षम हूं, किसी के दान पर निर्भर क्यों रहूं? कोशिश करना चाहिए आत्मनिर्भरता का, खुद के दम पर आगे अपने आप को बढ़ाना। दान किसी का मत लो, योग सहयोग कोई दे बात अलग है, वो भी अपने परिवार और अपने से संबद्ध व्यक्ति। कोशिश करो कि मुझे कभी लेना ही ना पड़े। तो दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, और दान देने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार भी बंद क्यों ना हो जाए, फिर भी दान देना ही धर्म है। यानी चाहे कैसी मुश्किलें परेशानियां संकट भी क्यों ना आए, दान देना चाहिए, क्योंकि बीजारोपण के अभाव में फल नहीं मिलता। तो दान देने का भाव अपने मन में सतत रखो। मेरे संपर्क में एक सज्जन बड़े उदार दानशी, उनको बेटे ने गलती की 85 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 85 लाख का नुकसान। उसके बाद भी उस आदमी ने 15 लाख की बोली बोल दी। उसके मित्र ने कहा कि अभी तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ फिर तुमने 15 लाख की बोली बोल दी? बोला मैंने सोचा चलो नुकसान भी राउंड फिगर में हो गया। दृष्टिकोण, नुकसान भी राउंड फिगर में हो गया, कितनी बड़ी उदारता है। उसका तर्क भी बिल्कुल सही, बात तार्किक है। अगर 85 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का भी हो जाता तो झेलते कि नहीं झेलते? हाँ झेलते, और वो भी हो सकता था। जब आग लगती है तो सब स्वाहा होता है, कुछ नहीं बचता। तो जब है जा रहा उधर गया, 85 गया तो 15 और सही, यही मेरे काम में आएगा। जो अच्छे काम में लग गया सो लग गया, बाकी जो स्वाहा हुआ सो हुआ। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, बड़े अच्छा संस्कार अच्छे भाव, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था कभी, पर उनके बेटे ने ओवर एस्टिमेट काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, बैंकों की बड़ी देनदारी, बाजार की देनदारी, और सरकार की एक नीति ऐसी आ गई जिससे एक ही दिन में उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, बैंकों का एनपीए हो गया, नष्ट हो गया। उस दौरान में उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का दान दिया था। वो कहते हैं महाराज जी, मैं अपने जीवन की असली कमाई के रूप में वो केवल 50 लाख को देखता हूँ, बाकी झूठी कमाई थी सब चले गई। मैं अपने कैरियर की शुरुआत जब किया था तो 500 रुपया लेकर आया था, मैंने कुछ लेकर आया न लेकर गया। मैं ये मानता हूँ कि मेरे इन 30 वर्षों में, यदि इन दिनों में आपसे जुड़ने के बाद मैंने जो कुछ अच्छा किया वही मेरा है, यदि इसे अच्छे कार्य में नहीं लगाया होता तो वो भी स्वाहा हो जाता है। दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर ऐसा? अरे अरे रुको 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 रुको, क्या रुकोगे, किसको रोकोगे? कर्म की परिणति को तुम कहां तक रोक पाओगे? समझ अपने भीतर विकसित कीजिए। तो दान क्यों, दान देने का भाव हमेशा रखिए, तब आप आगे अपने आप को बढ़ा सकोगे। तो देने वाले लोग बहुत कम है, लेने वाले ज्यादा। आप लोग तो बनिया है। एक आदमी जा रहा था,
रास्ते में एक कुआं पड़ा, अंधा कुआं था, बिना मुंडेर का कुआं, उसमें गिर पड़ा। अब बचाव के लिए पुकारा कि मुझे कोई बचाओ। कुआं गहरा था पर पानी नहीं था, पर इतना गहरा भी नहीं था, 10-12 फीट गहरा था और निकल पाना असंभव था। बार बार बोले बचाओ बचाओ बचाओ। आसपास के लोग आए, अब सब लोग बोले दे अपना हाथ दे, 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 दे अपना हाथ दे। बोला वो हाथ पर हाथ बांध कर बैठे रहे, हाथ ही नहीं दे। एक अनुभवी गुजरा उधर से, उसने देखा, बोला ये तो पक्का बनिया है। उसने कहा ले मेरा हाथ ले, ले मेरा हाथ ले। फट से लपक के उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींच लिया, बाहर आ गया। बोला गजब हो गया, आपने बोला एक पल में आ गया, हम लोग घंटों से बाहर इतना कर मशक्कत कर रहे थे, कुछ नहीं किया। मामला क्या? बोले तुम नहीं जानते बनिया है, ये केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। तुम लोग बोल रहे हो दे अपना हाथ दे, जिसने आज तक कभी दिया ही नहीं वो तुम्हें क्या देगा। ये देना नहीं जानता, केवल लेना जानता है। तो जो केवल लेना 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 जानेगा वो ऐसे ही कुएं में पड़ा रहेगा। देना सीखिए। तो दान क्यों, दान किसे? जो जरूरतमंद हो या जहां जरूरत हो, जहां धर्म की संस्कृति का विकास हो, जहां समाज का कल्याण हो, जहां मानवता की सेवा हो, या जहां प्राणी मात्र का उत्थान हो, वहां दान दो। जिससे स्वपर का हित हो, पारमार्थिक दान में धर्मायतन है जो हमारे संस्कृति के ध्वज वाहक बनते हैं। सदियों तक जिसके माध्यम से हमारी परंपराएं पुष्ट होती है, जिसके बदौलत अनेक लोगों के जीवन में सही दृष्टि प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, जिसे पाकर लोगों के भाव भाव का उद्धार हो सकता है, उसमें अपना उत्साह बना के रखो, कभी पीछे मत हो। और लोकोपकारी कार्यों में भी जहां जब जैसा प्रसंग हो देने के लिए तत्परता बना के रखो। कई बार इस विषय में मैं प्रकाश डाल चुका हूं, समय आप सबका होने वाला है, मैं बात को समेट रहा हूं। दान कहां दे, दान किसे दे, दान कैसे दे? दान उदारता पूर्वक दे, हर्ष से भर करके दे, दबाव में दान न दे और अफसोस के साथ दान न दे। अपने मन से दान दे, उदारता से दे, हर्षित होकर के दान दे। मैंने अनेक लोगों को देखा जो दान देते हैं और घोषणा होती है उनकी आंखों से हर्ष के आंसू झड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देखने में मिल जाते हैं, फंस गए। क्या बोलते हैं? फंस गए, आज देना पड़ गया। वो दे करके भी कुछ नहीं दे पा रहा, उसका देना सार्थक नहीं। और दान कितना दे? कम से कम अपनी आमदनी का 10% दान दे, ये शास्त्र का विधान है। 1 रुपया कमाते हो तो तुम 90 पैसे के ही हकदार हो, 10 पैसा तुम्हें दान में देना ही चाहिए। कमाई कम हो तो खर्च में कटौती कर दो, लेकिन दान देने में कभी पीछे मत हो।